रूस यूक्रेन जंग का 31वां दिन, यूक्रेन में भीषण जंग जारी। चेर्निहिव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए फिर की बातचीत की अपील। साथ ही जेलेंस्की ने कहा, शांति के लिए यूक्रेन अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन में बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कीव के मेयर का दावा, यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाके को वापस लिया। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का मारियूपोल शहर पूरी तरह तबाह। मेयर ने कहा, पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। महायुद्ध के बीच सड़क पर उतरे सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक। रैली के बीचों बीच ये गोलियों की गड़गड़ाहट सुनिए। हाथ में यूक्रेन का झंडा लिए इन नागरिकों को डराने की कोशिश हो रही है। दरअसल यूक्रेन के स्लावुतिक शहर में रैली में शामिल लोगों को हटाने के लिए रूसी सेना ने हवाई फायरिंग की। कीव के प्रशासनिक अधिकारी ने दावा किया है कि रूस ने स्लावुतिक के हेड को अगवा भी कर लिया है। भीषण बमबारी के बाद शांत हुआ शहर। लगातार हमले से कीव के आसमान जहां काले पड़ गए थे, आज नीले आसमान के साथ खूबसूरत सुबह ने दस्तक दी। वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। रूस की सेना ने यहां हमले कम कर दिए हैं। हथियारों की ट्रेनिंग यहां ये महिलाएं ले रही हैं। ये कोई सैनिक नहीं बल्कि यूक्रेन की आम महिलाएं हैं। तस्वीरें हैं यूक्रेन के ओडिशा प्रांत की। यहां रूस को टक्कर देने के लिए इन महिलाओं ने खुद हथियार उठा लिए हैं। हवा में उड़ता ये सोयूज रॉकेट रूस का है। वैसे तो ये रॉकेट इस तरह लॉन्च होकर अंतरिक्ष की ओर जा रहा है, लेकिन इस पर बना ये निशान देखिए, ये वही जेड निशान है जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूसी सेना की गाड़ियों पर लगा रहता है, निशान जेड का। यूक्रेन में अपने युद्ध का संदेश दुनिया को दिखाने के लिए रूस ने अंतरिक्ष रॉकेट पर जेड साइन बनाया है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहां दूर कुछ धमाकों की आवाज आती है। एक के बाद एक तीन धमाके यहां हुए और धमाके के बाद आग और धुएं के बादल उठ रहे हैं। इन धमाकों को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई है। तस्वीरें यूक्रेन के क्रमतोर्स की हैं। यहां रूसी सेना ने हवाई हमलों से कहर बरपाया है। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर से छूट रही है ये गोलियां और अब देखिए मौत बरसाने वाले इस हेलीकॉप्टर को। रूस ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की ये तस्वीरें जारी की हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम है KA-52। रूसी सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि ऐसे हेलीकॉप्टरों से रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा टैंकों को बर्बाद किया है। ABP News आपको रखे आगे।